बस मुझे लगता है कोई भी अगर मेरे इस वीडियो के थंबनेल को देखा होगा ना, तो वो 80% समझ गया होगा कि आखिर मैं क्या बताने वाला हूँ। तो फिर भी आप से लोग अगर इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि आप सभी लोगों से करना है, और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। गाइस एक बात बताना चाहूँगा, मैं जो है सोशल मीडिया में अवेलेबल हूँ। आप मुझे हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट उधर से जो है मेरे इंस्टा पे फॉलो मुझे कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करेंगे तो आप जो है मुझसे डायरेक्ट जो है बातें कर सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, मैं जो है उस जगह में पोस्ट करता हूँ जहाँ से आप जो है बहुत सारे नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो गाइस मैं जो है अब से हर वीक में जो है 4 दिन वीडियोस जो है डालूंगा। तो वो दिन जो है सबसे पहले बता देता हूँ, और से टॉपिक पे वीडियो मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो संडे में हम लोग जो प्लेलिस्ट स्टार्ट किए हैं, जो कि हर संडे आपको मिलता है #TechAtul, जिसमें हम लोग जो है किसी इक्विपमेंट के बारे में बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है उसके बारे में। दूसरा ट्यूसडे है, और ये ट्यूसडे में आपको मिलेगा #Motor से रिलेटेड वीडियोज़, यानी कि मोटर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में जॉब करने वाले बंदे को जो है पता होना चाहिए। और ये मोटर से रिलेटेड मुझे आप सभी लोगों से बात करने का बहुत मन है, तो इनसे भी रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे जो है कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। तीसरा डे है थर्सडे। इस थर्सडे वाले दिन में जो है आप सभी से मैं बात करने करूँगा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ट्रांसफार्मर के भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सपोज़ मान लीजिए आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप कहीं वर्क कर रहे हो, और कोई अननोन पर्सन अगर आपसे पूछ बैठता है कि ये इक्विपमेंट का नाम क्या है, यानी कि ट्रांसफार्मर के किसी एक पार्ट्स के बारे में, तो आप अगर उस टाइम नहीं बता पाओगे तो आप अपना जो है खुद का सेल्फ इस्टीम जो है बहुत डिक्रीज़ कर देंगे। तो जिसके वजह से आपको जो है हर एक चीज़ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं जितना हो सके आसान भाषा में सारे चीज़ को जो है क्लियर करने वाला हूँ। चौथा डे है सैटरडे, और इस सैटरडे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं इक्विपमेंट सिलेक्शन के बारे में। ये मेरा जो है बहुत दिन से मन था कि मैं क्या करूँ, इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाऊँ या फिर डायरेक्ट जो है वीडियोस देना स्टार्ट करूँ। तो अब मेरे दिमाग में जो है फाइनली आ गया है कि हर एक थर्सडे जो है आपको मिलेगा इक्विपमेंट सिलेक्शन से रिलेटेड। आप किसी MCB का जो है कैसे सिलेक्शन कर सकते हो, इंडस्ट्रीज में जो केबल यूज़ करते हैं उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, रिले का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो गाइस बहुत सारे मेरे दिमाग पे अभी जो है बातें चल रहे हैं, और इन सभी चीज़ों को देना जो है मेरा काम आप सभी लोगों को बनता है। तो गाइस मैं बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है आप सभी लोगों को देने की कोशिश करूँगा। बस शर्त इतना है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को जो है थोड़ा सा शेयर करिए अपने दोस्तों तक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लेलिस्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।